नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल व्लॉगर विनीत। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी चीज दोस्तों जो कि कैंपिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि आप कैंपिंग का शौक रखते हैं तो क्या चीज है, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, कैंपिंग के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है बर्तन। यदि आप नॉर्मल बर्तन जो आप लेके जाते हैं, जैसे आपका फ्राई पैन हो गया या कोई आपका पॉट हो गया जिसमें हैंडल लगा हुआ है, तो वो जो दोस्तों हैंडल निकला रहता है वो एक तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता है हमारे बैग में। तो ज़्यादातर जो कैंपर्स होते हैं वो लेके जाते हैं दोस्तों फोल्डिंग यूटेंसिल्स। तो वही है दोस्तों इस डिब्बे में, मैं दिखाता हूँ आपको इसको अनबॉक्स करके। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लैक कलर की एक मैश का बैग है और इसके अंदर हमारे होते हैं कैंपिंग यूटेंसिल्स। इसे हम इस तरह से खोलते हैं और ये निकले आते हैं बाहर। ये जो आप बैग देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी हार्ड मटेरियल से बना हुआ है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चीप मटेरियल है या फटने वाला है इस तरह से। तो काफ़ी बढ़िया मटेरियल का दोस्तों ये बैग होता है। इसके बाद जो बर्तन होते हैं वो इस तरह से पॉलीथिन में पैक होके आते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है दोस्तों ये आपका फ्राई पैन, और ये लगे हुए हैं इसके हैंडल जो कि फोल्डेबल हैं। ये इस तरह से खुल जाते हैं और ये आपका बन जाता है दोस्तों फ्राई पैन। इसकी यदि मैं गहराई की बात करूं तो इतनी उंगली के बराबर इसकी गहराई है और गोलाई भी इसकी काफ़ी सफिशियंट है दोस्तों। ये जो मटेरियल होता है ये होता है आपका एल्यूमिनियम और इसके ऊपर करी जाती है एक खास तरह की कोटिंग। ये कोटिंग दोस्तों होती है आपके नॉन स्टिक, और मैंने काफ़ी समय इसको यूज़ किया है, कुछ एक वीडियोस में भी मैंने इसको यूज़ किया है। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। काफ़ी यूज करने के बाद दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि ये बर्तन आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा ये हो जाता है हमारा फ्राई पैन और इस तरह से इसके ये हैंडल जो है फोल्ड हो जाता है। इसके बाद आती है बारी दोस्तों ये कुकिंग पॉट होता है। तो ये जो कुकिंग पॉट है दोस्तों ये भी सेम वही पैटर्न है, इस तरह से इसका हैंडल फोल्ड हो जाता है और खुल भी जाता है, ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह से हम खोल लेते हैं और ये होता है इसका लिड यानी ढक्कन, ये देखें। बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश है दोस्तों इसकी और जो कोटिंग है बहुत बढ़िया है। कई बार यूज़ करने के बाद भी दोस्तों इसकी कोटिंग कहीं नहीं गई है। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही आइटम होते हैं दोस्तों। इसको यदि मैं खोल के ये देखता हूँ तो यहाँ पर एक पॉलीथिन है, तो चलिए देखते हैं पॉलीथिन के अंदर दोस्तों क्या क्या निकलता है। सबसे पहली चीज़ आती है ये फोम का एक टुकड़ा, ये आपके बर्तन धोने के काम में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों वो है ये स्पॉर्क। ये जो स्पॉर्क होती है दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील की होती है और ये भी फोल्डेबल होती है। इसे फोल्ड करने के लिए हमें ये देखें इस तरह से, यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं तो ये छोटी सी जगह लेती है और ज़्यादा जगह इसको रखने में नहीं गिरती है। ये फॉर्क हो जाती है, सॉरी स्पॉर्क हो जाती है। और इसके बाद आता है आपका ये लकड़ी का स्पैटुला, ये देखें। काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है इसकी और आपको ये मालूम होगा जो भी नॉनस्टिक बर्तन होते हैं उनको हमें लकड़ी के स्पैटुला से ही चलाना चाहिए ताकि उनकी कोटिंग पे स्क्रैच ना आए। तो लकड़ी का स्पैटुला, बहुत बढ़िया फिनिशिंग, मस्त एकदम झकास। इसके बाद दोस्तों ये एक आइटम निकल के आता है, प्लास्टिक का है और फोल्डिंग हैंडल है, ये देखिए खुल गया और इसे हम दबाते हैं तो ये हैंडल चला जाता है नीचे। ये एक सर्विंग स्पून कह सकते हैं, सूप वगैरह पीने के काम में आता है दोस्तों ये। तो ये है, ये भी फोल्डिंग है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये जो प्लास्टिक है दोस्तों ये ओडर फ्री है और ए ग्रेड प्लास्टिक का इसमें यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी तरह की दोस्तों इसमें महक ना आए। इसके बाद बचते हैं दोस्तों दो आइटम, ये देखें।
ये हैं दोस्तों बाउल। इनमें दोस्तों आप सूप पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, पास्ता खा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं इनमें। ये भी वही प्लास्टिक के बने हुए हैं दोस्तों, ए ग्रेड प्लास्टिक, ऑर्डर फ्री। ठीक है, काफी बढ़िया इनका फिनिशिंग है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीप मटेरियल यूज किया गया है। तो ये हो जाता है दोस्तों पूरा। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ढक्कन है दोस्तों, ये सिर्फ फिट होता है आपके कुकिंग पॉट के ऊपर इस तरह से। ठीक है, इस ढक्कन को अगर आप चाहें कि मैं इसमें फिट कर लूं तो नहीं होगा। मैं दिखाता हूं, ये ढक्कन इसमें घुस जाएगा अंदर इस तरह से। तो ये ढक्कन सिर्फ है दोस्तों इस कुकिंग पॉट के लिए। काफी गहराई है दोस्तों इसकी, यदि मैं नाप के दिखाता हूं आपको तो पूरी मेरी उंगली इसके अंदर चली गई है और करीब इतनी गहराई का ये, 2 से 3 इंच करीब की गहराई इसकी है। फिनिशिंग काफी सही है दोस्तों, कई बार इसे मैंने यूज किया है, बहुत बढ़िया यूटेंसिल्स हैं दोस्तों। यदि आप कैंपिंग का शौक रखते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मस्ट है प्रोडक्ट है जो कि आपको आपके कैंपिंग बैग में होना चाहिए। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू इन यूटेंसिल्स के बारे में। कई लोगों ने मुझसे मेल करके पूछा था, कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपने ये जो बर्तन इसमें कैंपिंग की वीडियोस में यूज करे हैं उनको एक बार बता दीजिए, एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए कि वो किस तरह के हैं और कहां से हमें परचेज करने हैं। तो दोस्तों इन बर्तनों का, जहां से मैंने इन्हें परचेज किया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप ये बर्तन परचेज कर सकते हैं। काफी बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों, लाइट वेट है, सबसे बड़ी चीज ये है, बहुत ही हल्के बर्तन है और आप किसी भी तरह का इसमें खाना या कुकिंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक रिव्यू, ये रिव्यू मैंने किया है इन बर्तनों को यूज करने के बाद, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये बर्तन खरीदने लायक हैं भी या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले समय में और भी वीडियो लाने का मेरा प्रयास जारी है। यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीत को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।